हाय एवरीवन। तो फ्रेंड्स, मार्केट में मिलने वाले जो सॉफ्ट टेक्सचर वाले फूले फूले बंस होते हैं, ब्रेड होती है, पाव होती है, कभी आपने सोचा है कि आप इन्हें अपने किचन में मिलने वाले कॉमन से सामान से घर में झटपट गैस पर भी तैयार कर सकते हैं। आज मैं आपको इन सुपर सॉफ्ट बंस को दो तरीके से बनाना सिखाऊंगी। ग्राम्स में मेजरमेंट, कप्स में मेजरमेंट, सब कुछ डिटेल में बताऊंगी, साथ में छोटी छोटी टिप्स भी दूंगी ताकि आप एक ही पारी में इन परफेक्ट बेकरी स्टाइल एगलेस बंस को बना सके। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, इनका टेक्सचर, इनकी सॉफ्टनेस ना बिल्कुल बेकरी वाले बंस जैसी होती है और इससे आप बहुत कुछ बना सकते हैं। तो बहुत ही यूजफुल सी रेसिपी है, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो होममेड बंस बनाने के लिए ना फ्रेंड्स, हमें चाहिए होगा आधा कप ल्यूक वार्म यानी कि गुनगुना पानी। यहाँ पर मैंने बाउल में पानी डाला है। अब इसके अंदर फ्रेंड्स हम डालेंगे ईस्ट। तो देखिए, ईस्ट मार्केट में बहुत सारी तरीके की आती हैं, बट मैं अपना सारा ही सामान फ्लेवरसम शॉप पूना में जो है वहाँ से लेती हूँ। तो ये ड्राई एक्टिव ईस्ट का पैकेट भी मैंने वहीं से मंगाया है और इसे आप पानी में डाल दीजिए, इंस्टेंटली आपका काम जो है वो हो जाएगा। तो आज के मेजरमेंट के हिसाब से मैं यहाँ पर 2 टीस्पून भर करके डाल रही हूँ ये एक्टिव ईस्ट। अब ईस्ट का काम जब भी करते हैं ना फ्रेंड्स, तो उसमें शुगर डालने की जरूरत होती है क्योंकि इसी से ये एक्टिवेट होती है। तो मैंने 3 टेबलस्पून डाल दिया है यहाँ पर शुगर, और साथ में 1 टीस्पून आप मैदा जो केक बनाने में यूज होता है, जिससे अभी हम बंस भी बनाएंगे, वो डालना है। इससे क्या होगा, ईस्ट को जो चीजें चाहिए वो मिलेंगी और ये बहुत बढ़िया से फर्मेंट होगी और एक्टिवेट होगी। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर दें। और अभी ना मैंने उसे ऐसे ही छोड़ा, देखिए रूम टेम्परेचर पर करीब 10 मिनट लगेंगे इसको फर्मेंट होने में, और तब तक हम अपना बाकी का मेजरमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आज मैं कप्स और ग्राम्स दोनों में ही बताऊंगी। तो मैंने बाउल में ना लगभग 250 ml वाले कप से 2 कप डाला है मैदा। ग्राम्स में आप देख सकते हैं ये 250 ग्राम्स के बराबर होगा। मान लीजिए फ्रेंड्स, अगर आपको इसका हेल्दी वर्जन बनाना है तो आप मैदे की जगह पर आटा भी ले सकते हैं, सेम क्वांटिटी 250 ग्राम्स। साथ में इसमें टेस्ट के लिए जाएगा लगभग 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। देखिए, अगर डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हैं। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो ईस्ट है वो भी साइड में आप देख सकते हैं धीरे धीरे जो है फूल गया है, फर्मेंट हो गया है, और करीबन 10 से 15 मिनट आप इसे ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। साथ में ना फ्रेंड्स, इस मिक्सचर में मैंने सॉल्ट भी डाल दिया है। जब मीठे में हल्का सा पिंच हम सॉल्ट डालते हैं ना, तो उसका टेस्ट बढ़ जाता है। और यहाँ पर देखिए, आपके सामने ही मैंने ईस्ट रखा था और ये बढ़िया से देखिए ऊपर से झागदार हो गया है। मैं पास से भी आपको दिखाती हूँ। जब भी आप ईस्ट यूज करें फ्रेंड्स, इस तरीके की झाग फ्रॉथ ऊपर आनी चाहिए। अगर वो नहीं आ रही है तो समझ लीजिए आपकी ईस्ट जो है वो काम नहीं कर रही है, आपको रेसिपी को आगे नहीं बढ़ाना है। बट यहाँ पर झाग आ गई है तो हम आगे बढ़ेंगे। तो मैंने यहाँ पर जो मिक्सचर अभी हमने रखा था ना आपके 250 ग्राम मैदा और मिल्क पाउडर और सॉल्ट, वो मिक्स किया था, वो सारा के सारा इसमें मैंने डाल दिया। अब हम इसका एक सॉफ्ट डो बनाएंगे यानी कि आटा जैसा गूंदेंगे। अब देखिए फ्रेंड, जब भी ईस्ट यूज होता है ना, तो जिस चीज में भी ये जाता है वो थोड़ी सी स्टिकी होती है, और इसी स्टिकीनेस से हमारी जो ब्रेड है या बन है उसकी जाली पड़ती है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने आपको होममेड ब्रेड बनाना सिखाया था और आज मैं आपको ये बंस बनाना सिखा रही हूँ, और दो तरीके बताऊंगी आपको गैस पर भी और ओटीजी में, ताकि आपके पास जो ऑप्शन अवेलेबल हो आप बना सके। अब इसमें 1 टेबलस्पून के करीब जाएगा बटर। बटर यहाँ पर थोड़ा सा सॉफ्ट वाला लीजिएगा, पिघला हुआ नहीं लेना, जमा हुआ नहीं लेना, ऐसे ही आपको लेना है। और हाथों से इस तरीके से मसल मसल के इसके आउटर कवरिंग पर हमें ये बटर लगाना है, जिससे क्या होगा, दो काम अच्छे हो जाएंगे। एक तो ये हमारे हाथों में चिपकेगा नहीं, और जो नमी, जो मॉइस्चर, जो चिकनाहट इसमें होनी चाहिए वो भी इसे मिल जाएगी। तो बढ़िया से आप मिक्सचर को आपको गूंदना है बढ़िया से, कहीं पर भी आप फ्लैट सरफेस पर गूंदिए, कम से कम 10-15 मिनट गूंदेंगे तो आपके जो बंस हैं वो उतने ही सॉफ्ट और जालीदार बनेंगे। तो यहाँ पर अगर आपको लगता है कि हाथों में और चिपक रहा है, हल्का सा ऑयल लगा लीजिए, ग्रीस कर लीजिए हाथों को और बढ़िया से गूंद लीजिए। गूंदने के बाद इसे उसी बाउल में हम रख देंगे और इस तरीके से थोड़ा गोला बना देंगे इसका डो जैसा, और अब इसे ढक करके आप उस जगह पर रखिए जहां पर आपके घर में थोड़ी सी गर्माहट हो। तो या तो आप इसे धूप में रख दें 1 से 2 घंटे के लिए, और या फिर आपके घर में अगर स्टेबलाइजर है फ्रिज का या इन्वर्टर का, उसके ऊपर रख दे। मैं इसे इन्वर्टर पर ही रखती हूँ और 1 घंटे के अंदर देखिए काम हो गया है, आटा जो है वो फूल गया है। इसी तरीके से राइज होगा, जितना आटा आपका उतनी ही सॉफ्ट और टेक्सचर वाली ब्रेड आपकी बनेगी। मैं देखिए पंच करने से जो गैस रिलीज हुई है, हवा रिलीज हुई है, उसी से आप समझ जाइएगा कि हमारे जो बंस है ना वो सॉफ्ट बनेगी। अब इसी डो को फ्रेंड्स अगर आप ब्रेड वाले किसी कंटेनर में रख देंगे तो ब्रेड बन जाएगी। अगर आप पाव के शेप में इसको रख देंगे पास पास किसी बर्तन में, तो आपके जो पाव होते हैं ना, लड़ी पाव, वो बन जाएंगे। और अगर गोल करके बंस के फॉर्म में बनाएंगे तो वो भी बन जाएंगे। ये फ्रेंड्स कहने की बात होती है कि बेकिंग पाउडर और सोडा से भी ब्रेड बनती है, बन जाती है, मैं मना नहीं करती, बट जो टेक्सचर, जो जाली, जो स्मेल, जो खुशबू ईस्ट वाली चीजों की आती है वो फिर आपको नहीं मिलेगी
अगर आप एज अ सब्स्टिट्यूट ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं बेकिंग पाउडर और सोडा से, बट जो प्रॉपर ब्रेड मार्केट वाली होती है वो इसी तरीके से बनाई जाती है। तो यहाँ पर डो को फिर से मैंने थोड़ा सा अच्छे से गूंद लिया है, बढ़िया से इसकी जितनी भी प्लेट्स हैं वो चली जाएं, इस तरीके से आपको करना है। और अब मैंने क्या किया है, मेरे सारे बंस इक्वल बने तो मैंने इसे स्प्रेड किया और जो स्क्रैपर आता है ना उससे मैं इसको इस तरीके से कट कर रही हूँ कि मेरे सारे बंस जो है वो बराबर में आए। तो पहले मैंने प्लस बनाया और अब मैं क्रॉस बना रही हूँ जिससे कि यहाँ पर देख सकते हैं मेरे 8 बंस बन जाएंगे। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये जो डिवीजन हमने किए हैं ना इनमें से एक एक को लेना है और इन्हें राउंड करना है। ये देखिए राउंड बढ़िया से कीजिएगा। पहले मैं इनको गोले बना बना करके साइड में रख देती हूँ, हमारी हिंदी की भाषा बोलते हैं ना लोए बना लेते हैं, तो वो मैं यहाँ पर फटाफट से बना लेती हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने 250 ग्राम्स का जो मेजरमेंट लिया था ना उससे करीबन आपके इतने बंस बन जाएंगे। अगर आपको ज़्यादा बनाने हैं तो आप मैदे की क्वांटिटी को बढ़ा करके लीजिएगा, और कम बनाने हैं आधी कर लीजिएगा रेसिपी को। तो अब क्या कर रही हूँ, मैं इन सभी बंस को ना गोल कर रही हूँ इस तरीके से कि इसके सारे फोल्ड्स नीचे की तरफ चले जाएं और ऊपर एकदम प्लेन हमें राउंड गोला मिले। ये देखिए अब यहाँ पर इसको बेक करने के लिए फ्रेंड्स आज मैं दो तरीके बताऊंगी। तो सबसे पहले तो मैंने ये ट्रे ली अपनी एल्युमिनियम की, इसमें जनरली मैं बर्फी वगैरह बनाती थी, और उसमें सेट कर रही हूँ मैं ऑर्टिगा इको बेक बेकिंग पेपर ताकि जो मेरे बंस हैं वो आराम से इससे निकल आए, बिल्कुल भी चिपके नहीं। तो इसी के साइज का मैंने इसे कट कर लिया है और बढ़िया से अब इसको इसमें उल्टा करके मैंने फोल्ड कर लिया, स्प्रेड कर लिया है, तो ये आराम से इसमें बैठ गया है। अब मैं इन बंस को इस तरीके से गोल करूंगी, थोड़ा मसल मसल के करेंगे ताकि कोई भी सलवट ना आए, और फिर इसको हम प्लेस करेंगे अपने इस ट्रे में। तो यहाँ पर 6 बंस तो फ्रेंड्स मैं इस ट्रे में आपको बेक करके दिखाऊंगी और एक दो बंस मैं आपको गैस पर बताऊंगी ताकि दोनों आइडिया आपको मिल जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने नीचे की तरफ इसे टक कर दिया है और अब मैं इसे प्लेस कर देती हूँ। सेम इसी तरीके से हम बाकी के बंस को भी रोल कर लेते हैं और थोड़ी थोड़ी गैप में इनको सेट करते हैं। तो अगर आप गैप देंगे फ्रेंड्स तो इनको फूलने की स्पेस मिलेगी और ये आपस में एक दूसरे से नहीं चिपकेंगे। वहीं लदी पाव जो होते हैं उनको हम पास पास रखते हैं ताकि वो एक दूसरे से जुड़ जाए, जैसे कि मार्केट में आते हैं। तो हर किसी का एक अलग तरीका होता है, एक बस सिंपल सा प्रोसीजर होता है बनाने का। बाकी चीज़ें ये ब्रेड की जितनी होती है ना, चाहे बन ले लो पाव ले लो ये ब्रेड, वो सब सेम होती हैं। यहाँ पर ये देखिए रोल करके मैंने 6 तो इसमें रख दिए हैं और 2 मेरे बचे हुए हैं, तो मैं इन दोनों को ही एक कर देती हूँ। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा वेरिएशन आपको दिखाती हूँ। मान लीजिए आपको टूटी फ्रूटी वाले बन बनाने हैं तो इसी आटे को थोड़ा स्प्रेड करके आप कलरफुल टूटी फ्रूटी जो होती है वो डाल दीजिए और आपके स्वीट टूटी फ्रूटी बंस भी बन जाएंगे। बच्चों को ये बहुत अच्छे लगते हैं, आप आटे से बना करके उनको टिफिन में दे सकते हैं, घर में भी ऐसे ही बना कर रख सकते हैं अपने फ्री समय में, वो चलते फिरते भी खा लेंगे ना, तो एक रोटी का जो काम होता है जो वो नहीं खाते हैं वो इस तरीके से हो जाएगा। और बंस को पाव को तो बच्चे सब्जी से भी खा लेते हैं, तो इस तरीके से बहुत ही बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। हम लोगों की सभी के किचन में सभी के फ्रिज में ये अक्सर बाजार से लाए जाते हैं, तो क्यों ना आप इन्हें घर में खाली समय में बना लें। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक ये बड़ा सा बना लिया है, इसमें टूटी फ्रूटी डालने से ये और फूल गया है। चलिए अब इसको मैं एक प्लेट में रख देती हूँ, प्लेट को थोड़ा सा ग्रीस कर लेते हैं ताकि ये चिपके नहीं, और अब मैं इसके ऊपर इसे रख दूंगी। अब फ्रेंड्स ये एगलेस बंस हैं, तो जनरली एग वाले बंस में तो क्या होता है, एग वाइट जो अंडा होता है उसको इनके ऊपर लगा करके ब्रश किया जाता है, बट हम इसे पूरी तरीके से एगलेस बनाएंगे, तो उसकी जगह पर हम यहाँ पर देसी वर्जन यूज करेंगे दूध। तो यहाँ पर दूध लगाने से पहले देखिए मैं क्या गलती कर रही थी, मैं यहाँ पर तिल लगा रही थी, तिल लेकिन चिपक ही नहीं रहे थे, फिर बाद में ध्यान आया दूध लगा करके इसे चिपकाना चाहिए। तो दूध लिया है मैंने, कैसा भी दूध ले सकते हैं, कच्चा उबला, बस इसको ब्रश से आपको अपने बंस के ऊपर लगा देना है, अच्छे से कवर कर देना है, और फिर इसके ऊपर आप जो तिल है ना व्हाइट वाले वो स्प्रिंकल कर दीजिएगा, उससे ये स्टिक भी हो जाएंगे और जब ये बन के आएंगे ना तो बिल्कुल मार्केट जैसे बंस लगेंगे, जैसे उनके ऊपर तिल वगैरह लगा रहता है और वैसे ही लुक आएगी। तो चलिए पहले गैस वाला रख देते हैं। गैस वाले पे बनाने के लिए आप कढ़ाई कुकर तवा कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखिए मीडियम फ्लेम पर गैस ऑन की है। अब मैं यहाँ पर एक पुराना तवा रख रही हूँ जिसके ऊपर मैंने ये जाली रखी है, इसके ऊपर मैं अपनी ये बन वाली प्लेट रखूंगी और इसे अच्छे से हम ढक देंगे, और 5 मिनट के बाद ना फ्रेंड्स मीडियम फ्लेम से इसे लो फ्लेम पे करना है करीब 25 से 30 मिनट के लिए, और बाकी के हम अपने अगारों के इस 60 लीटर ओटीजी में बेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ना फ्रेंड्स मैंने 200 डिग्री पर इसे दोनों रॉड्स को ऑन करके प्रीहीट कर लिया था, और अब मैं इसकी मिडिल वाली रैक में अपनी ट्रे को सेट कर रही हूँ। अब यहाँ पर फ्रेंड्स टेम्परेचर हम देंगे करीबन 200 डिग्री, रॉड्स हम केवल यहाँ पर नीचे वाली ऑन कर देंगे, और फैन हम यहाँ पर बिल्कुल ऑफ रखेंगे, और टाइमर दे देंगे वही 25 से 30 मिनट। इतनी देर में ये इसमें आराम से जो है बेक हो जाएंगे। तो मैं आपको हाइपर लैप्स के थ्रू दिखाती हूँ, ये देखिए कितने प्यारे तरीके से ये फूले हैं, और लास्ट के 5 मिनट में इसमें देखिए कितना बढ़िया कलर भी आ गया है। तो ये वाले जो ओटीजी में है
वो 25 से 30 मिनट के बीच में बेक हो गए थे। अगर आपको कलर और ब्राउन चाहिए तो आप 2-3 मिनट और छोड़ लीजिएगा, बट मैं इसे निकाल लेती हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है फ्रेंड्स, और देख करके ना मैं इतनी खुश हुई कि बिल्कुल मार्केट स्टाइल हमारे ये बंस बने हैं। और अभी मैं गैस वाला भी चेक कर लेती हूँ कि वो कैसा बना है। तो ये भी बहुत ही अच्छा बना है, बट गैस पर जब भी हम कोई चीज़ बेक करते हैं ना, उसके ऊपर का कलर बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं हो पाता है, क्योंकि ये फ्लेम जो है केवल नीचे से ही लग रही होती है, यहाँ पर उतना टेम्परेचर नहीं होता। देखिए ये भी हमारा अच्छा बना है। तो आप आराम से अपने घर में अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो आप पे अवेलेबल हो गैस OTG उसमें बना सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं एगलेस बंस, लेकिन अगर आप इन्हें डायरेक्टली अभी खाएंगे तो ये आपको ठीक नहीं लगेंगे, हार्ड लगेंगे। तो इनको सॉफ्ट करने के लिए ना इनके ऊपर थोड़ा सा बटर अप्लाई कर दीजिएगा हाथों से इस तरीके से, और बस एक मॉइस्ट कपड़ा मतलब कॉटन का कोई भी टॉवल ले लीजिएगा, उसको पानी में डाल के निचोड़ लीजिएगा और उसको इसके ऊपर ढक करके करीब 15 से 20 मिनट छोड़ दीजिएगा। उससे क्या होगा, इनके जो ऊपर की लेयर है वो सॉफ्ट हो जाएगी, मॉइस्ट हो जाएगी, और आप जब खाएंगे ना तो आपको बहुत ही स्पॉन्जी टेक्सचर इसका मिलेगा। तो देखिए इस वाले पे भी मैंने बटर लगा दिया है, और अब मैं किचन का टॉवल इनके ऊपर ढक देती हूँ और फिर वेट करते हैं 15 मिनट का, और उसके बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगे खाने के लिए। 15 मिनट बाद फ्रेंड्स अब हम चेक करते हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा कलर आ गया है, और मार्केट के बंस तो फेल है फ्रेंड्स। 250 ग्राम में आपके आराम से इस साइज के देखिए 7 बंस बन जाएंगे, चाहे नॉर्मल साइज के, एक मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है। और ये देखिए दबाने से आपको खुद पता लग रहा होगा कि ये कितने सॉफ्ट बने, एकदम रुई की तरह। तो जरूर से जरूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपके किचन में ना मिले, बस ईस्ट ही ऐसा चीज है जो आपको आराम से मार्केट में मिल जाएगा, और नहीं मिले तो आप ऑनलाइन फ्लेवर सम शॉप से भी बना सकते हैं। और अभी ना फ्रेंड्स इस रेसिपी के बाद मैंने एक और भी रेसिपी इसमें ट्राई की, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी, बट उसके लिए मुझे इसको कट करना था इस तरीके से। तो मैं यहाँ भाई आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको बिलीव हो जाए कि अंदर का टेक्सचर भी एकदम जालीदार बना है। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए जरूर से जरूर यूजफुल रहा होगा, और आप इसे मैदे से आटे से जैसे भी ट्राई करें मुझे अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा, और इन सुपर सॉफ्ट बंस को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। और इन बंस को फ्रेंड्स आप ऐसे भी खा सकते हैं, बर्गर बना सकते हैं, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं जल्दी इससे रिलेटेड और भी रेसिपीज आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो यूजफुल लगी है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी हालत थोड़ी खराब है बट फिर भी आपके साथ मैं कुछ ना कुछ नया जरूर शेयर करती रहूंगी। इसी उम्मीद के साथ चलिए कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप ट्राइंग एंड कीप बेकिंग।